फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिसने लाखों सी एस्पिरेंट्स को पीछे छोड़ते हुए पहली अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई कर लिया। सीए में आपको लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अकाउंटेंसी करता होगा? नहीं, अकाउंटिंग इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ सीए करियर। तो इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप जिसे बोला जाता है, बोथ आर सेम थिंग? बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग, बस नाम अलग अलग है, बस नाम अलग अलग है, इंटरचेंजेबल है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिसने लाखों सी एस्पिरेंट्स को पीछे छोड़ते हुए पहली अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने करियर की शुरुआत केपीएमजी जैसी बड़ी बिग फोर कंपनी के ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करके कर चुके हैं और फिलहाल एचसीएल टेक्नोलॉजीज में प्राइसिंग डिपार्टमेंट में एज अ एसोसिएट मैनेजर काम कर रहे हैं। वी विल गेट टू नो वेरियस थिंग्स फ्रॉम हिम, लाइक स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ सीए, प्रोसीजर टू बिकम अ सीए, इंस्टीट्यूट फॉर सीए, सब्जेक्ट्स इन सीए प्रोग्राम, इंटर्नशिप्स इन सीए, द परफेक्ट वे टू परसू सीए, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप्स एंड मेनी मोर। अगर आप सीए बनना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू, सो स्टे ट्यून फॉर दिस स्टैंड आउट कन्वर्सेशन। सो अभिषेक, वेलकम टू द शो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। डेफिनेटली मोहित जी, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अभिषेक, एक कॉमर्स स्टूडेंट का हर साल एक सपना होता है कि मुझे सीए बनना है, और इस सीए बनने की दौड़ में लाखों स्टूडेंट इंडिया जैसी कंट्री में लग जाते हैं, इस रेस में, इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं, और हमें पता है कि 100 में से या 2 या 3 स्टूडेंट ही इस रेस को क्लियर कर पाते हैं, जीत पाते हैं। तो एक स्टूडेंट को कैसे पता चले कि उसको सीए बनने की दौड़ में शामिल होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो अपने अंदर चेक करें? मोहित जी, आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स सीए बनने की दौड़ में शामिल होते हैं और लाखों स्टूडेंट्स का ये हर साल सपना टूट जाता है सीए बनने का। एंड इससे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम फेज जो लाइफ का 20s होते हैं वो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को आइडियली कुछ स्किल सेट्स होते हैं जो हर सीए प्रेफर करता है या बताता है कि आप में ये होने ही चाहिए, तभी आप सीए के वास्ट करिकुलम को कवर कर सकते हो। ठीक है, दैट इज वी से कि यू शुड हैव अ कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड अलॉन्ग विद अ स्मार्ट वर्क। बेसिकली आप चाहो कि आप 2 हफ्ते या 2 महीने पढ़ाई करके या 6 महीने पढ़ाई करके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे बाकी कॉलेज वगैरह के होते हैं वो निकाल लो, तो सीए ऐसा नहीं है। सीए हमें आपको पूरे 4-4.5 साल के रेगुलर एफर्ट्स चाहिए, रेगुलर हार्डवर्क चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी आप इस कोर्स करिकुलम को बीट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि इतने ज्यादा एफर्ट्स, इतनी कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। 90% स्टूडेंट्स को शायद ये लगता होगा कि 2-4 महीनों की मेहनत है और उसके बाद बड़े आराम से सीए निकल जाती है। बस वो 90% लोग बच्चों को जो लगता है वही वो होते हैं जो स्ट्रेट अवे फिल्टर आउट हो जाते हैं रिजल्ट से, और रिमेनिंग बच्चे जो एफर्ट्स डाल के करते हैं उसमें से भी रिजल्ट रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअल कॉम्पिटिशन उन स्टूडेंट्स का होता है, राइट, रिमेनिंग। अदरवाइज 90% जिनको लगता है कि 2 या 4 महीने में पास हो जाएंगे वो तो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर ही होते, कंपटीशन से बाहर ही होते हैं। एंड इसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, अभी नवंबर 2022 का रिजल्ट हमारा आया था सीए का, तीनों लेवल्स पे फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, तीनों लेवल का रिजल्ट आया था। तो ग्रॉसली अगर आप देखेंगे तो फाउंडेशन लेवल पे नियरली 30% बच्चों ने क्लियर करा है। ओके, इंटरमीडिएट लेवल पे जो फाउंडेशन से क्लियर होकर आए थे बच्चे, नियरली 15-20% बच्चे क्लियर कर पाए। राइट राइट। वहीं विज़ावेज़ अगर आप फाइनल का हमारा स्कोर देखें या परसेंटेज देखें पासिंग की, तो नियरली 8% स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है आउट ऑफ दोज जो उन्होंने इंटर क्लियर करा था। ओके, ऑफ टोटल जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स थे, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इवन लेस देन 1% बच्चे जो सीए के लिए रजिस्टर कर रहे थे एट सीपीटी लेवल, फाइनल 4-4.5 साल बाद जाके लेस देन 1% बच्चे क्लियर कर रहे हैं। इट इज लेस देन 1%। इफ यू जस्ट फिगर आउट कि आप सीपीटी से फाइनल तक का पूरा अपना रूम देख रहे हैं, तो उसमें लेस देन 1% बच्चे थे जो क्लियर कर पाए हैं फाइनल सीए बन पाए। मुझे लगता था शायद 2 या 3% तो रिजल्ट है अभी भी, इट इज लेस देन 1%, लेस देन 1%। So audience, you should be very clear while pursuing CA that you should go for that or not, because result is less than 1% as told by CA Abhishek Mittal. Right. So apart from these skills, because these consistency and hard work, smart work is required in every field, apart from that, what technically is required to be a CA? Mathematics is required or other kind of subjects is required? किस तरह के subjects में हम चाहेंगे कि भाई इन पर पकड़ होनी चाहिए CA बनने के लिए? CA is basically having a vast curriculum, and if you आप compare करोगे इसको अपने 12th से 11th से, तो मतलब you can't compare subjects, मतलब वहाँ पे accounts होती हैं, वहाँ accounts बनाना सिखाते हैं आपको schools में, but यहाँ पे presentation is the way, हम presentation पे काम करते हैं। मतलब CA में आपको लगता है chartered accountant है तो वो accountancy करता होगा, नहीं,
accounting is a very small part of a CA curriculum. You should be good in presentation. You should be presentation is basically हमारे पास laws हैं, Ind AS की applicability है. Okay. तो वो ज़्यादा चीज़ focus करती है कि financials को सही तरीके से present कैसे किया जाए. Right, right. बनाने का काम और भी जने कर सकते हैं. Okay. और accountancy भी CA का मतलब आप 10% curriculum मान के चलो. उसके अलावा okay. we have मतलब 10 times more thing that which we think okay. by the name. So, account presentation is a technical skill which is essentially required to be a CA. Which is one of the essential skills. Which is one of them. Right. Right. Thank you. And second question is that we all know that there is no bachelor or master degree or there is no college and university to pursue CA. So, what is the procedure to become a CA? Kis tarah se process kare koi student? So, CA hamara professional course hai. So, CA mein enter karne ke liye ICAI is a body, right? And ICAI full form Institute of Chartered Accountants of India, right? So according to this, अगर किसी भी जने को CA pursue करना है, तो उनके पास option होता है. Directly after 12th, वो ICAI के पास register कर सकते हैं. And after registration, we have 3 levels of exams. First is foundation, then comes to intermediate level and final level. Both these levels are having 8 subjects each, divided into 2 groups. Likewise, our course curriculum is divided. And even if some students which are pursuing BCom or any other graduation from any other university, for them CA's university मतलब CA institute have given options that what they can do is after completing their graduation they can directly enroll for second level, that is intermediate. Intermediate level. Basically they can skip CPT if they are going through after graduation. You can go and register for intermediate exams. Okay. And after intermediate then internship is there. So basically this happens if you go via CPT route. So first of all you have to pass that foundation exam or which we say CPT. Post that you have to register for intermediate level. After clearing intermediate, first group or both groups, there is a compulsory 3 years internship period. 3 years internship. 3 years internship period that too into a basically a CA firm. CA firm. Haan. Okay. So there is a fixed period that you have to go for internship for 3 years, and after the completion of 2.5 years, you are eligible कि आप CA final का attempt दे सकते हैं. Right. तो internship या articleship जिसे बोला जाता है, both are same thing. Both are same thing. Both are same thing. बस नाम अलग अलग है. बस नाम अलग अलग है. Interchangeable है. Articleship बोल सकते हैं. Articleship.